अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेवन क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है एट, जिसका नाम है अलजबरिक एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट लेक्चर से हम अलजबरा स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है ऐड द टर्म्स टू री राइट एन अलजबरिक एक्सप्रेशन। आपने अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखनी है तो आपको टर्म्स दी गई हैं डिफरेंस, आपने इन डिफरेंट टर्म्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज है 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको दिया गया है ऐड टर्म्स टू री राइट एन अलजबरिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको 3 टर्म्स दी गई हैं, 2AB, नेक्स्ट है 3BC एंड थर्ड टर्म है CA। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा क्या गया है कि आपको ये 3 टर्म्स दी गई हैं, ये टर्म्स हैं। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट टर्म को कोमा, फिर सेकंड टर्म कोमा, फिर थर्ड टर्म। हमने इन तीनों टर्म्स को ऐड करके, जब मुख्तलिफ टर्म्स को ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको अलजबरिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये अलजबरिक टर्म्स हैं जिसके अंदर कोई नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें ये 3 टर्म्स दी गई हैं, 1, 2 एंड 3। हमने इन 3 टर्म्स को ऐड करके इसका आंसर निकालना है। तो सिंपल, हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2AB। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म्स के गिर्द हम ब्रैकेट लगा देते हैं। सेकंड हमारे पास टर्म है 3BC, इसके गिर्द भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं, हम क्योंकि तीनों टर्म्स को ऐड करने लगे हैं। प्लस थर्ड टर्म अगर हम देखें हमारे पास है CA। फर्स्ट टर्म के ब्रैकेट प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट में प्लस थर्ड टर्म ब्रैकेट में। हमने 6 क्लास के अंदर और काफ़ी 7 क्लास में भी काफ़ सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, हमें पता है। अब इस ब्रैकेट को देखें, इस ब्रैकेट की लेफ्ट साइड के ऊपर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास ये प्लस 2AB है, तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो 2AB एज इट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2AB, ये प्लस का साइन है, जब इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस के साइन के साथ तो ये दोबारा प्लस आ जाएगा, तो ये आएगा प्लस 3BC प्लस। अब इस प्लस को दोबारा हम CA से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा CA। तो लिहाजा ये हमारे पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन बन गई है, ये हमारे पास आंसर है। हमने 3 टर्म्स को ऐड किया, 3 टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारे पास अलजबरिक एक्सप्रेशन आ गई है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1, और उसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें उसमें है 7L² कोमा 3M² कोमा एंड -8। हमने इन 3 टर्म्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको कहते हैं अलजबरिक एक्सप्रेशन। तो सिंपल, हमने क्या करना है, 7L² जिस तरह हमने पहले किया इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस सेकंड टर्म जो है वो लिखेंगे 3M², इसको हम नेक्स्ट थर्ड टर्म में ऐड करेंगे, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है -8। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो जब प्लस को 7L² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7L² एज इट आ जाएगा, प्लस प्लस दोबारा से प्लस आ जाएगा, 3M² जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हमने सीखा हुआ है, काफ़ सारे क्वेश्चन किए हैं हमने, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा -8। तो ये आपके पास जो आंसर आया है इसको अलजबरिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसमें देखें जो 6 पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, 6 पार्ट जो है वो मैं आपको कराता हूँ। इसमें अगर हम 6 पार्ट देखें
सिक्स पार्ट के अंदर हमें दिया गया है 9 LM 8 MN -10 ML -2। ये हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 फोर टर्म्स हमें दी गई है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है तो उससे ब्रैकेट लगाएंगे 9 LM प्लस ब्रैकेट 8 MN प्लस ब्रैकेट -10 ML उसके बाद अगर हम देखें -10 ML नेक्स्ट प्लस इनटू -2। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 9 LM एज इट आ जाएगा प्लस 8 MN एज इट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10 ML -2। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई। लिहाजा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल यूज इन ईच एक्सप्रेशन। हमने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में बताना है कि इसमें कौन कौन से कॉन्स्टेंट यूज हुए हैं और कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। आपने ये बताना है इसमें वेरिएबल कौन सा है और कॉन्स्टेंट कौन सा है। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 जो है आपने इसमें से ये बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्स्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल क्या होता है। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGHI सो ऑन जी तक, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। मोस्टली जो मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, आपकी बुक में भी देखा होगा, वो एक्स वाई एंड जी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जितने भी नंबर्स होंगे वो अल्फ़ाबेट जो होंगे वो वेरिएबल के ऊपर यूज़ हो, वेरिएबल के तौर पर यूज़ होते हैं। मसलन यहाँ पे एक्स प्लस 3 है तो यहाँ से देखें तो एक्स तो है हमारे पास, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से यूज़ हो रहा है तो इसमें एक्स हमारे पास वेरिएबल है। और सिंपल जो नंबर होगा वो अलहदा लिखा हुआ नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस 3 है। अब 3 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हो रहा। जब कोई भी नंबर 1 से लेकर सो ऑन कोई भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, डिवीजन में हो सकता है, तो जो सिंपल नंबर लिखा होगा जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होगा वो कॉन्स्टेंट के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड होती है। लेकिन वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर देखें वेरिएबल हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं वेरिएबल वो हमारे पास एक्स है, और अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 3 है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अगर इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें तो उसमें आपको दिया गया है 3a प्लस बी सेकेंड पार्ट है 3a प्लस बी -2। आपने इसमें से ये बताना है कि इसमें कौन से कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं और कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं।
तो सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया है, इंग्लिश के कोई भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल के ऊपर यूज़ लेते हैं, और जो सिंपल नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होता वो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल बी है, तो हम ए के साथ कोमा लगा के बी लिखेंगे। और अगर यहाँ पर देखें तो कॉन्स्टेंट जो है वो एक कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, -2। ये हमारा आंसर है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल पार्ट्स जो हैं वो 6 पार्ट हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ 4। थर्ड आपका होमवर्क है 4, अगर देखें तो उसमें आपको एक नंबर दिया गया है 5A। अब इस 5A में देखें तो हमारे पास एक जो है वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ए, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक सिंपल नंबर होता है जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हो रहा होता। तो यहाँ से अगर हम सिंपल देखें तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जैसा 1, 2, 3 जो सिंपल लिखा हुआ जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ ना हो। यहाँ पे 5 है तो 5 के साथ ए जो है ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, लिहाजा ये 5 जो है ये कॉन्स्टेंट नहीं है। नंबर को सिंपल अलहद आना चाहिए टर्म की फार्म के अंदर। तो लिहाजा 5A में अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो इज़ इक्वल टू ए है, और कॉन्स्टेंट जो है तो लिहाजा नो कॉन्स्टेंट, इसमें कोई कॉन्स्टेंट है ही नहीं। हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, सिंपल नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा होता। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग पार्ट्स आपका होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो सिंपल आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो ये पॉलीनोमियल्स की फॉर्म होती हैं, मोनोमियल कहते हैं जिसको, बाइनोमियल भी कहते हैं, ट्राइनोमियल भी कहते हैं। अब मोनोमियल क्या होती है, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ तो पहले हम देखते हैं मोनोमियल जो होती है वो क्या होती है। अ पॉलीनोमियल इन विच ओनली वन टर्म एग्जिस्ट, जिसमें सिर्फ वन टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं, इसमें क्या होती है, वन टर्म। अब बाइनोमियल क्या होती है, मोनो का मतलब, ये जो मोनो है इसका मतलब होता है वन, और ये जो बाई है बाइनोमियल, ये जो बाई है इसका मतलब होता है टू, इसको इसमें हमेशा टू टर्म्स होती हैं। और थर्ड जो हमारे पास है वो है ट्राई, जिसमें थ्री टर्म्स हों, ट्राइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स हों। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपने ये सिर्फ सिंप्लीफाई आइडेंटिफाई करना है कि इस ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जो आपको नंबर दिया गया है वो ये है x प्लस वाई माइनस जी। आपने ये बताना है x प्लस वाई माइनस जी में ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें कितनी टर्म्स है टोटल, 1, 2, 3। अब आपको पता कैसे चलेगा ये कितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, आपने ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल प्लस और माइनस वाले कितने साइन यूज़ हो रहे हैं। अब एक्स से पहले देखें कौन सा साइन है प्लस का, 1, उसके बाद वाई से पहले देखें कौन सा साइन है प्लस का, 2, और जी से पहले देखें माइनस का 1 साइन है, तो 1, 1 एंड 1, ये टोटल कितने हो गए, 3 साइंस। तो लिहाजा हमारे पास हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जी इज ट्राइनोमियल, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपको लिया गया है -6L,
अब इसमें देखें प्लस या माइनस वाली टोटल एक्सप्रेशन जो साइन है प्लस और माइनस के कितने यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, अदरवाइज और कोई साइन यूज़ नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये क्या है, जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। तो माइनस सिक्स एल क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस सिक्स एल इज मोनोमियल, सही है। अब इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो थर्ड आपका होमवर्क है, मैं फोर्थ कराता हूँ। फोर्थ में देखें तो आपको एक नंबर दिया गया है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी के अंदर अगर आप देखें तो कितने प्लस और माइनस के साइन यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक साइन है प्लस का। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, ए बी सी इज मोनोमियल। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई 8.1। तो रिमेनिंग जो इसके पार्ट्स हैं वो आपने खुद ही करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड जब मैं करूँगा तो आपके ग्रुप के अंदर 7 क्लास में लिंक आ जाएगा, आपने वहाँ से कर लेना है। थैंक यू सो मच।